नमस्कार। आज आप लोगों को सीधी अपॉइंटमेंट के तहत रेलवे वार्ड्स को किन किन पदों में भर्ती दी जा सकती है, जॉब दी जा सकती है, उसके बारे में बताऊंगा। मैं सीजी अपॉइंटमेंट के बहुत ज़्यादा विस्तार में इस वीडियो पे नहीं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं कि सीजी अपॉइंटमेंट होता क्या है। सीजी अपॉइंटमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि रेल कर्मचारी सेवा में रहते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है, उस कंडीशन में रेलवे प्रशासन द्वारा अनुकंपा के आधार पर उनके बच्चों को या उनकी फैमिली को नियमानुसार जो भी है उनको नौकरी प्रदान की जाती है, उसी को अनुकंपा नियुक्ति या सीजी अपॉइंटमेंट कहते हैं। सीजी अपॉइंटमेंट किसी का अधिकार नहीं है, परंतु एक दायित्व तो है रेल प्रशासन का या किसी भी सरकारी संस्था जहां पे जॉब कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके बच्चे कहां पर जाएंगे, किस हालत में रहेंगे, उनके बच्चों की स्थिति को देखते हुए, उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए उनको जॉब प्रदान की जाती है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि मैंने कहा कि इस वीडियो में मैं आपको पूरा विस्तार से नहीं बताऊंगा। सीजी अपॉइंटमेंट में यदि किसी कर्मचारी जो मृत कर्मचारी है उसके बच्चे मान लीजिए बीए है, किसी की एमए है, किसी की बीटी है, कोई आईआईटी किए हुए है, तो उन सारी चीजों में सबको एक समान नहीं माना जा सकता है, सबके लिए अलग अलग जॉब ऑफर की जाती है। तो उनके बारे में बताऊंगा कि यदि कोई कर्मचारी का लड़का या लड़की जो भी है, वार्ड्स यहाँ शब्द उपयोग किया जाता है, वो क्या पढ़ रहा है, बीए है, तो उसको बीए के अनुसार जॉब दी जाएगी। यदि कोई आईटीआई है तो आईटीआई के अनुसार जॉब दी जा सकती है, कोई आईआईटी है तो आईआईटी के हिसाब से, कोई हाई स्कूल तो हाई स्कूल के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़े हमें यह समझना है कि जो भी आरआरबी के तहत डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की वैकेंसी होती है उन्हीं पदों पे इनकी नियुक्ति की जाती है। आरआरबी के तहत जो भी मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन होना चाहिए। सीजी अपॉइंटमेंट के लिए ही कुछ कंडीशनों के साथ, कुछ कंडीशनें ऐसी हैं जो कि उनपे लागू नहीं होती है सीजी अपॉइंटमेंट के तहत, जैसे कि न्यूनतम क्राइटेरिया किसी भी पोस्ट के लिए, मान लीजिए हाई स्कूल में 50% है, तो यहाँ पे न्यूनतम क्राइटेरिया 50% अंक का लाना अनिवार्य नहीं है। उसके अलावा आपको मान लीजिए जेई बनना है, जेई के लिए डिप्लोमा चाहिए तो आपको डिप्लोमा पास होना चाहिए, लोको पायलट बनना है तो लोको पायलट के लिए आपको जो डिप्लोमा आईटीआई होनी चाहिए वो होना चाहिए। यदि आपको स्टेशन मास्टर बनना है या गुड्स गार्ड बनना है तो ग्रेजुएशन की जो पोस्ट है या ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए जो न्यूनतम क्वालिफिकेशन है, अर्थात जो भी आरआरबी के तहत जिस जो न्यूनतम क्वालिफिकेशन है उन क्वालिफिकेशन के तहत यदि कर्मचारी के बच्चे के पास वो क्वालिफिकेशन है तो उसी हिसाब से वो अपना आवेदन देगा कि मुझे किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, आईटीआई लेवल के लिए या जेई के लिए। वो उसके अलग अलग एग्जाम होते हैं, उन एग्जाम में उनको बैठना पड़ता है, उसकी परीक्षा देनी पड़ती है, परीक्षा में क्वालिफाई होते हैं तो उनके तहत ग्रेजुएट लेवल के तहत जितनी भी पोस्टें होती हैं उनकी वैकेंसी के आधार पे उनको वो पोस्टें दी जाती हैं। लेकिन जो प्रशासन के ऊपर है, प्रशासन की जिम्मेदारी है और प्रशासन अपने हिसाब से ये तय करता है कि उनको गुड्स गार्ड देना है, कि स्टेशन मास्टर देना है या कौन सी पोस्ट देना है। प्रशासन की जरूरत और वहां की वैकेंसी के अनुसार ये डिसाइड किया जाता है। किसी भी बच्चे के पास ये अधिकार नहीं है कि मुझे गुड्स गार्ड ही बना दीजिए, स्टेशन मास्टर ही बना दीजिए, वो रिक्वेस्ट कर सकता है, परंतु ये पूरी तरह से प्रशासन के ऊपर है, वो वैकेंसी के आधार पर वो डिसाइड किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा जो महिला है, यदि विधवा महिला है और वो हाई स्कूल पास है तब भी उसको जॉब दी जाएगी। यदि उसको ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट के हिसाब से जैसे बच्चे बैठते हैं, वार्ड बैठते हैं, उस हिसाब से वो भी एग्जाम में बैठेंगे। लेकिन यदि वो ऐसा लगता है कि वो परीक्षा नहीं दे पाएगी और वो सिर्फ जॉब ही चाहिए ग्रुप डी की, तो उस समय ग्रुप डी की जॉब जो है उसको दे दी जाएगी, ऑफर कर दी जाएगी। यहाँ तक कि यदि विडो पढ़ी लिखी नहीं है, अनपढ़ है, तो भी उसको जॉब ऑफर की जाएगी और जॉब दे दी जाएगी। उसके लिए कोई न्यूनतम क्वालिफिकेशन नहीं है कि वो हाई स्कूल या इंटर पास हो ही। तो मेरे हिसाब से आप समझ में आया कि रेलवे अपने दायित्व की तरह दायित्व किस तरह निभाती है। रेलवे अपने दायित्व के तहत अपने जो रेल कर्मचारी है उनको हर तरफ से सुविधाएं प्रदान करने की कोशिश करती है। रेलवे कर्मचारी यदि कोई एक्सपायर्ड हो जाता है उनके बच्चों को नौकरी देती है, रेलवे जल्दी जल्दी कोशिश करती है कि जल्द से जल्द नौकरी दे दी जाए, ताकि उनके बच्चे इधर उधर परेशान न हो और यहाँ तक कि उनके जो पेंशन संबंधी वो सेटलमेंट ड्यू से वो भी बहुत जल्दी इनका भुगतान कर दिया जाता है। तो मेरे हिसाब से जो मैंने वीडियो बनाया है आपको समझ में आ गया होगा, और यदि आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मेरी यूट्यूब चैनल कमेंट्स करिए, मैं आपको जरूर बताऊंगा। धन्यवाद।